आज हमारे साथ एक टिकटॉकर मौजूद हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि टिकटॉक अगर गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है या टिकटॉक बैन हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये एप्लीकेशन भी दे दिया कि टिकटॉक को बैन किया जाए, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? और अगर और इस लड़ाई जो इनकी चल रही है यूट्यूबर्स के साथ, इसकी क्या वजह है? मेरे साथ टिकटॉकर हैं, इनका नाम है महक अब्बास, जो कि टिकटॉक बड़ी फेमस है। तो महक, ये बताएं कि ये जो लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से अभी हमने देखा कि इसकी टिकटॉक की रैंकिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, रेटिंग जो है जी वो कम हुई है, 4.2 से जो है वो 1 पॉइंट पे आ गई है कुछ ही दिनों के लिए। तो ये लड़ाई हुई क्यों, ये क्यों लड़ाई हो रही है? वो एक अलहदा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक अलहदा प्लेटफॉर्म है, तो ये लड़ाई क्यों हो रही है? बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये था कि कुछ जो टिकटॉकर थे उन्होंने ये इल्ज़ाम आया किया था यूट्यूबर पर कि वो हमारे कंटेंट को चोरी करते हैं और उसके बाद वो फिर इन चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। तो इस बहस के दौरान ये एक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई और यहाँ तक मामला आ गया कि अब टिकटॉक की जो ऐप है उसके जो मुराद को कह सकते हैं डाउन करने के लिए अब काफ़ी कुछ किया जा रहा है कि साजिशें हो रही हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन देखिए, हमारे पास, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो जितने भी टिकटॉकर्स हैं बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां पर हमारे जो यहाँ के लड़के और लड़कियां हैं वो अपने टैलेंट को सामने लेकर आए। तो हमारे लिए तो ये ऐप बड़ी अहम है क्योंकि सबसे पहले तो एक फन का जरिया है, दूसरा ये कि जो लोग कहीं पर अप्लाई करके अपने टैलेंट को सामने नहीं ला सकते वो यहाँ पे कंटेंट भी बनाते हैं और सबके सामने अपनी अच्छी वीडियो बनाते भी हैं और अपने फैंस भी हासिल करते हैं इन अच्छी वीडियोस के बिना। अच्छा, कंटेंट की जो आपने बात की है, अच्छी, ये भी बहस छिड़ी हुई है क्योंकि यूट्यूबर्स ही कह रहे हैं, और जो बात है असल में यही है कि जो टिकटॉकर का जो कंटेंट है वो तो उनका अपना है ही नहीं। चाहे यूट्यूबर्स का कंटेंट जो है, हम मानते हैं कि लोग मेहनत करते हैं, अपनी जो वीडियोस बनाते हैं उनका एक कंटेंट होता है, एक कोई थीम होता है, क्रिएटिविटी नजर आती है, लेकिन जो टिकटॉकर्स हैं वो, अच्छा, वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा कंटेंट चोरी किया जाता है, तो वो कंटेंट जो उनका है ही नहीं, वो किस तरह चोरी हो सकता है, और कंटेंट है क्या टिकटॉकर से? देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कहें कि ये जो कंटेंट है टिकटॉकर का ये कोई आम है। देखिए, अगर कोई वीडियो है और आपने लिपसिंग करनी है तो आप जब तक परफेक्ट लिपसिंग नहीं करेंगे आप अपनी परफेक्ट वीडियो नहीं बना सकते। ये कोई मामूली बात नहीं होती। कोई हर कोई देखिए, जितने भी जिनके मिलियंस फैंस हैं उनके ऐसे तो नहीं है, उनकी वीडियो में कोई ना कोई बात, उनके परफेक्ट कंटेंट, उसके बाद ही वो वीडियो लाइक की जाती है ना। तो ये कहना कि भाई जो टिकटॉक का जो कंटेंट है वो बिल्कुल फारिग है, ये है बिल्कुल बस यूट्यूब ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। अच्छा, ये भी लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं टिकटॉक पे कि टिकटॉक जो है वो एक जो सेंसिबल इंसान जो है वो यूज़ नहीं करता है, ये कहा जाता है, ऐसा क्यों? और बहुत से लोग इवन कोर्ट्स में गए हैं, डिफरेंट जगहों पे गए हैं, उन्होंने कहा कि इसको बैन किया जाए, ये फाशी फैलाता है, ये नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है, इसकी क्या वजह है? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं टिकटॉक के बारे में? देखिए, हर जो चीज है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाओ, नेगेटिव में ले जाओ, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोगों को तो नहीं रोक सकते ना, जिसने जहां पर जो करना है वो तो करेगा। तो अगर ये कहना कि टिकटॉक सिर्फ फहाशी के लिए इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिन्होंने फहाशी करनी है वो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, वो नेट पे भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी खास ऐप का होना जरूरी तो नहीं है। और जहां तक आपने बात की जो पढ़े लिखे लोग इसके खिलाफ है, मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती जो इसके खिलाफ है, तो क्या भाई आप अपनी आम जिंदगी में हंसते नहीं है या आप बिल्कुल बुत बन के बैठे रहते हैं? तो हर एक को अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट के लिए किसी ना किसी चीज को सामने रखना पड़ता है। मतलब अगर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी मिसाल लेती हूँ तो हम लोग भी कोई अनपढ़ जाहिल तो नहीं है, लेकिन हमको देखिए फन के लिए, हम जब अपने फ्री टाइम में होते हैं तो हमें अपने जहन को पुरसकून करने के लिए हम डिफरेंट लोगों की जो सोच है उसको देखते हैं, उनके फनी जोक्स होते हैं, उनकी फनी वीडियोस होती है, उसे महसूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, इस चीज को शायद मैं नहीं मानती कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए अपनी अपनी सोच की बात होती है, अगर सोच अगर इस तरह की उसको बदल नहीं सकते। अच्छा, अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो टिकटॉकर्स क्या करेंगे? अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर हम लोग भी यूट्यूब पे चीजें करेंगे, हम भी अपना इस जो टिकटॉक के जो कंटेंट है उसको हम वहां पे लेकर जाएंगे। अपने बहुत सारी चीजें हमने भी सोची हुई है, ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो इस तरह की कोई और ऐप आनी चाहिए या? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो टिकटॉक को बंद ही नहीं होना चाहिए, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ।
और अक्सर लोग मुझे भी ये बात कहते हैं कि भाई आप क्यों टिकटॉक बनाती हैं, तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि भाई कोई फन के लिए अगर कोई ऐप है तो आप उसको फन के लिए लेना, आपने अगर उसकी नेगेटिव चीजों को सीरियस लेना है तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप उसकी पॉजिटिव चीजों को देखो। ठीक है, एक टिकटॉकर दिन में कितनी टिकटॉक वीडियोस बना लेता है? ये डिपेंड करता है उसके स्टेमिना पर, अगर वो उसमें इतना स्टेमिना है तो वो 5, 10 या 15 इतनी बना सकता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, जो वायरल होती हैं और उनको लोग लाइक करते हैं, तो वो कोई 5-6 में से 7 वीडियोस ऐसी होती हैं जो क्लिक कर जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा, टिकटॉक जो है वो ये एक फेम की गेम है, यानी कि जितने लाइक आपको मिलते हैं आपको उतनी खुशी होती है और उतना ही आप लोग ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ और इसी से देखिए लोग कमा भी रहे हैं। अब देखिए, अब जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं उनको डिफरेंट ब्रांड्स ऑफर आती है, डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं जो उनको कहती है कि हमारी जो पब्लिसिटी कर दे उसके लिए बकायदा तो उन्हें पे किया जाता है। जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो इसी तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप फेमस होंगे तो उसके बाद आपको डिफरेंट जो ब्रांड है, डिफरेंट जो कंपनीज है वो आपको अपने एड मिलेंगे, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट में लोग जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेम है। अच्छा, एक एक्टर की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग टाइम होती है, आदमी को पता होता है कि उसने कोई ऐसा काम किया है, के लिए अगर वो ड्रामा करता है, फिल्म करता है या कोई मॉडलिंग करता है, तो उसका एक जो है उसकी जो लाइफ होती है वो लंबे अरसे तक चलती है, यानी कि इसका जो कंटेंट होता है या उसका जो नाम होता है वो काफी अरसे तक रहता है। लेकिन टिकटॉकर्स जो हैं वो हमने देखा है इतनी तादाद में हैं और सारे ही सेलिब्रिटी बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो एक कुछ अरसे बाद इनको तो बुला दिया जाएगा, तो ये लोग अपना टैलेंट जो है वो दूसरी तरफ क्यों नहीं लेके आते? देखिए, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एड में काम करना शुरू कर दिया है, मूवीज में भी काम कर रही हैं कुछ जो टिकटॉकर हैं, तो देखिए हर कोई एक्टिंग करना चाहता है लेकिन हर कोई परफेक्ट एक्टर तो नहीं हो सकता ना, जो टैलेंट है वो कभी भी जाया नहीं होगा, वो अपने आप को किसी ना किसी रूप पर ले जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अच्छे टिकटॉकर है उनको डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट ड्रामास में उनको उठा लिया जाएगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि जो चीज क्लिक कर रही है वो आगे जाएगी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसने यूथ पे इफेक्ट क्या डाला है? देखें, हर चीज के मनफी असरात भी होते हैं और उसके मस्बत भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने इसको मनफी लिया अब उनपे तो कुछ हम कह नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से एक फन का जरिया है और यूथ में मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग अपने अंदर जो खूबियां है वो सामने ला सकते हैं, इस ऐप के जरिए वो सामने लेके आते हैं, तो पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर गालम गलोच और इस तरह की चीजें शुरू कर दी, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल से काफी गैर मुनासिब है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जिन्होंने अपनी सोच को परवान चढ़ाना है वो किसी भी जरिए से आगे लेके आते हैं, और जिन्होंने वहां पे फाशी नहीं करनी वो अपने तरीके से वीडियो बना रहे हैं और आगे जा रहे हैं।